गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं साइक्लोएल्केन्स के बारे में, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स। इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा कि हमारे सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें जो है सब्स्टिट्यूशन, आप देखें हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, इथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, इसके अलावा प्रोपाइल ग्रुप है, ब्रांच्ड प्रोपाइल ग्रुप है सब्स्टिट्यूशन में। जैसे कि देख सकते हैं इसमें मिथाइल ग्रुप ब्रांचिंग है। इसके अलावा हमारे पास छः कार्बन की रिंग है, छः कार्बन की हमारे पास रिंग है। हम नंबरिंग कर लेते हैं अपने कार्बन्स की। नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, देन 6 कार्बन के हमारे पास रिंग है। इसके अलावा हमारे पास ब्रांचड प्रोपाइल ग्रुप है, इसकी भी हम नेमिंग कर लेते हैं। ये 2 है, यहाँ 1, 2, 3, देन इसका नेम हो जाएगा आपका, पहले आ जाएगा 1 इथाइल, क्योंकि एक नंबर पर हमें जो है नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करनी है। 1 इथाइल, देन 3 ब्रैकेट स्टार्ट, देन 2 मिथाइल, देन 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। जैसा कि हम देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन, हमारे पास एक पर इथाइल ग्रुप है, एक पर हमारा इथाइल ग्रुप अटैच है। इसके अलावा जो 3 नंबर जो कार्बन एटम है हमारा रिंग का, इसके ऊपर हमारा अटैच है 2 मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल प्रोपाइल, देन साइक्लोहेक्सेन। इसका नेम हो जाएगा 1 इथाइल 3 2 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। आइए हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी भी कोई ऐसा केस होता है कि जिसमें हमारी रिंग के साथ में जो अटैचमेंट है, सब्स्टिट्यूएंट की जो अटैचमेंट है, अगर उस अटैचमेंट के अंदर, जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि हमारे रिंग के साथ में जो है, जैसे कि रिंग है, रिंग के साथ में जो हमारी स्ट्रेट चेन है, जब भी कभी भी कोई ऐसा केस होता है कि हमारी जो साइड चेन है, जो ये हमारी साइड चेन है, इस चेन में मल्टीपल बॉन्ड हो या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप हो, उस केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये रिंग है, रिंग हम मानेंगे कि हमारी रिंग जो है सब्स्टिट्यूएंट है किसके ऊपर है, इस स्ट्रेट चेन के ऊपर। हमारी जो ये जो हमारा जो रिंग है, जो हमारी रिंग है, इसको हम मानेंगे कि ये हमारी इस स्ट्रेट चेन के ऊपर एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगी, न कि रिंग के ऊपर इसकी अटैचमेंट है। रिंग के ऊपर इनकी अटैचमेंट नहीं है कि हमारी, उल्टा कि जो हमारी ये स्ट्रेट चेन है, इस स्ट्रेट चेन के ऊपर इसकी अटैचमेंट है। सो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग जो हम करेंगे, हमें क्या करना है कि जो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा ये स्ट्रेट चेन के अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे कि इसमें दिया हुआ है आपका डबल बॉन्ड है, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, इस केस में हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शनल ग्रुप को या फिर उस मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है। सो हम नंबरिंग करेंगे। नंबर 1 हो जाएगा हमारे ये 2 नंबर कार्बन, देन 3 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन पर हमारा रिंग अटैच है। कौन सी रिंग है? प्रोपाइल रिंग है, 3 कार्बन है, प्रोपाइल साइक्लो प्रोपाइल रिंग अटैच है। आइए इसकी नेमिंग कर लेते हैं 3 साइक्लो, क्योंकि 3 नंबर पर साइक्लो प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, 3 साइक्लो प्रोपाइल प्रोप 1 इन, प्रॉप 1 इन, 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रॉप 1 इन। आइए कुछ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस कर लेते हैं।
बहुत अच्छा एग्जांपल है। इफ अ मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एंड सम अदर सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने बात करी थी कि कोई भी डबल बॉन्ड हो और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, वो अगर आपकी स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, देन हमें जो है नंबरिंग जो हमें करनी है हम स्ट्रेट चेन में करेंगे, स्ट्रेट चेन में करेंगे, और जो हम ये मानेंगे कि जो हमारा रिंग है वो हमारी चेन के ऊपर अटैच है। अगर कोई भी ऐसा केस होता है कि जिसमें जो है हमारी रिंग के अंदर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड हो या फिर हमारा रिंग के अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, ऐसे केस में हम जो नंबरिंग करेंगे, हम नंबरिंग इस टाइप से करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि हमारी मल्टीपल बॉन्ड को या फिर सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में दिया है एक नंबर, ये हो गया दो नंबर, दैन तीन नंबर, चार नंबर कार्बन, उसके बाद यहाँ हो जाएगा पांच नंबर कार्बन। तो इसके नेमिंग कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा आपका 2,3-डाइमिथाइल, क्योंकि हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, 2,3-डाइमिथाइल साइक्लो। साइक्लो जो है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड है। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें यह बताता है कि हमारा कोई भी कंपाउंड साइक्लिक है या फिर हमारा कोई भी कंपाउंड एलिफैटिक चेन की फॉर्मेशन में है। वन इन इसका हो जाएगा 2,3-डाइमिथाइल साइक्लोपेंट वन इन। जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ है, हमारे पास पांच कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है, पांच कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है, इसके अलावा हमारे पास चार कार्बन की एक रिंग है। ये चार कार्बन है, ये हमारे पास पांच कार्बन है। जब भी कभी भी ऐसा होता है कि हमारे पास जो रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर उसका साइज़ रिंग से बड़ा है, रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट हैं अगर उसका साइज़ रिंग से बड़ा है, तो हम ये मानेंगे कि जो हमारी एलिफैटिक जो चेन है, जो हमारी एलिफैटिक चेन है, इस एलिफैटिक चेन के ऊपर जो है रिंग अटैच है। सो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, पहले हमारी एलिफैटिक चेन की नंबरिंग कर लेते हैं। ये वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर, देन फाइव। सो इसकी नेमिंग हो जाएगी हमारी तीन नंबर कार्बन पर जो हमारा है 2-ब्यूटाइल, नहीं ये हमारा गलत हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा हमारा थ्री पर आपका क्या है, थ्री पर है हमारा साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप, थ्री साइक्लोब्यूटाइल। आप समझ रहे हैं ना बात को, तीन नंबर कार्बन पर जो हमारा क्या है साइक्लोब्यूटाइल की रिंग अटैच है, साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन के ऊपर हमारी रिंग अटैच है, कौन सी रिंग अटैच है साइक्लोब्यूटाइल की, साइक्लिक रहे, इसके अलावा चार कार्बन है, रूट वर्ड हो जाएगा आपका ब्यूटाइल, ब्यूट अटैचमेंट है इसलिए ब्यूटाइल, थ्री साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। आइए इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं।
जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास किसी भी रिंग के अंदर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड है या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऐसे केस में हम जो नंबरिंग करेंगे, रिंग की जो नंबरिंग करेंगे, हम इस टाइप से करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट को या फिर मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। ये हमारा एक नंबर कार्बन हो जाएगा, ये हमारा एक नंबर कार्बन हो जाएगा, ये दो नंबर हो गया, ये हमारा तीन नंबर कार्बन हो गया, ये हमारा चार नंबर कार्बन हो गया, ये हमारा पाँच नंबर कार्बन हो गया, ये छः नंबर कार्बन हो गया। हमारे पास छः कार्बन की रिंग है जिसमें तीन नंबर पर नाइट्रो ग्रुप है, ये हो जाएगा थ्री नाइट्रो साइक्लो हैग्स वन इन, नेम हो जाएगा थ्री नाइट्रो साइक्लो हैग्स वन इन। हमारे पास जो है चार कार्बन की जो है स्ट्रेट चेन है, इसके अलावा छः कार्बन की रिंग है। तो देख सकते हैं कि हमारे पास छः कार्बन की, छः बड़ा नंबर है एज़ कम्पेयर टू फोर। देन हम ये मानेंगे जो हमारी ये रिंग है, सॉरी जो हमारी ये स्ट्रेट चेन है, हमारी स्ट्रेट चेन जो है रिंग के ऊपर अटैच है। जो हमारी ये स्ट्रेट चेन है ये हमारी रिंग के ऊपर अटैच है, ऐसे केस में हम क्या मानेंगे, जो हम नंबरिंग करेंगे, पहले रिंग की नंबरिंग कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव देन सिक्स। इसके अलावा हम नंबरिंग करते हैं, कार्बन्स की नंबरिंग कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव देन सिक्स। ब्यूटाइल ब्यू है, ब्यूट है वर्ड रूट आपका। इसके अलावा सबसे पहले हम लिखेंगे सेकेंडरी सुफिक्स है, अगर कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स। सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लिखेंगे वन वन देन ब्रैकेट स्टार्ट देन टू ब्यूटाइल, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है पहले हम उसको लिखेंगे, देन वन हाइफन देन ब्रैकेट स्टार्ट टू ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज देन साइक्लो, क्योंकि हमारे पास साइक्लिक रिंग है, साइक्लो हेक्सेन। अब समझ रहे हैं ना बात को, ये जो हमारा एक नंबर है ये हमारा रिंग के ऊपर है, रिंग ये हमें दिखाता है कि जो हमारा रिंग जो साइक्लो जो हेक्सेन है उसके एक नंबर पर कार्बन पर, जो एक नंबर कार्बन है उस पर कुछ ये वाली अटैचमेंट अटैच है, वो क्या है, टू ब्यूटाइल, क्योंकि ये टू हमें शो करता है कि हमारे पास जो ब्यूटाइल का जो सेकेंड नंबर जो कार्बन है ब्यूटाइल का, उस सेकेंड नंबर कार्बन से जो है हमारी रिंग अटैच है, इसलिए इसने हमने इसको ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। सो इसका नेम हो जाएगा वन टू ब्यूटाइल साइक्लो हेक्सेन। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे एल्केन्स के बारे में। थैंक यू।